गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको कल एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन थर्ड के सेकंड पार्ट कराया था। आज मैं क्वेश्चन फोर्थ करा रही हूँ, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो रहमान की एज है वो आपको नहीं पता है, प्रेजेंट एज आपको एक्स माननी है। और उन्होंने बोला है कि वो 3 साल पहले जो उसकी एज थी और 5 साल बाद जो उसकी एज है, उनकी एजेस का रेसिप्रोकल का सम जो है आपको 1/3 दिया है। ये आपका क्वेश्चन है कि मतलब 3 साल पहले की जो रहमान की एज थी, आपको नहीं पता, आपने रहमान की एज को एक्स माना, और 5 साल बाद की जो एज है उनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उनका अपॉन में लिख करके उन दोनों का सम जो है वो 1/3 के इक्वल है। ये आपका क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए मैंने क्या किया, प्रेजेंट एज को एक्स माना, ठीक है, 3 ईयर्स अगो, अगो का मतलब 3 साल पहले, यानी उसकी एज क्या होगी, 3 + x - 3। और आफ्टर फाइव ईयर्स का मतलब अब 5 साल बाद, यानी कि उसकी एज में 5 ऐड हो गए, यानी x + 5 जो है उसकी अब की एज है 5 साल बाद की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला दोनों का रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल में क्या होगा, upon 1, और इसके रेसिप्रोकल में upon 1। जब इनका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 upon x - 3, 1 upon x + 3, दोनों का सम का मतलब बीच में दोनों का प्लस का साइन किसके इक्वल दिया है, 1/3 के। अब ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट बन गया। आपने ये दोनों एलसीएम लिए, इसकी मल्टीप्लाई इस वन से करी, इसकी मल्टीप्लाई इस वन से करी, और इधर 1/3, x 2x, 5 में से 3 गया 2, और x - 3 और x + 5 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, x² + 5x - 3x + -15 = 1/3, यानी 2x + 2x - 15 upon 1/3, ठीक है। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने किया यहाँ पर लास्ट वाले में, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 की मल्टीप्लाई इससे करी, ये एज इट इज 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करी, ये दोनों आ गए, ये दोनों इस साइड आकर के क्या हो गए, माइनस, क्योंकि इस साइड दोनों प्लस थे। x² + 2x - 6x - 4x - 15 - 6 - 21, देखो ये इक्वेशन बन गई। अब आपकी मर्जी, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो या फैक्टराइजेशन से करो, मैंने इसको क्वाड्रेटिक से नहीं करा, फैक्टराइजेशन से करा है, आपकी मर्जी है, स्प्लिटिंग अप मेथड से। दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 21 आए, प्लस या माइनस करके 4 आए, तो 7 × 3 = 21, और 7 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 4। अब किसके आगे माइनस आएगा, किसके आगे प्लस आएगा, 7 और 3 में से, यहाँ माइनस का साइन है, इसका मतलब बड़े नंबर के आगे माइनस आएगा, छोटे नंबर के आगे प्लस आएगा। तो आपने -7x + 3x कितना बन जाएगा, -4x, इस 21 को एज इट इज लिख दिया, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x - 7, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3x - 7। तो x - 3 पहला फैक्टर और x + 3 दूसरा फैक्टर। एक बार आपने x - 7 को 0 के इक्वल रखा, एक बार x + 3 को, यहाँ से x की वैल्यू 7, यहाँ से x की वैल्यू -3 - 3, तो एज नहीं होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x = 7 ईयर्स, यानी रहमान की जो एज है, प्रेजेंट एज है अभी, वो 7 साल का है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लो, बाकी कल कराएंगे।